क्या नाम बाबा? सिमरू जी। सिमरू, क्या गांव है? गांव का नाम क्या है? नसीरबाग। आप किसके समर्थन में, आपकी बार किसको समर्थन दे रहे हैं? हबीब को। हबीब को? हबीब को काहे को दे रहे हैं? और नेता क्यों ना दे रहे? हबीब को काहे को दे रहे हैं? हमारा जान हबीब को ही है। अच्छा, और कितना वोट चला जाएगा गांव से? कम से कम 200-250 तो हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गांव में वोट कितने टोटल? अभी तो पूरे 9000 सबसे ज्यादा वोट हबीब के खाते में ही जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, और कैसा लग रहा है रुझान अभी आपको? अच्छा ही लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए, क्या नाम है जी? हनीफ। हनीफ, हनीफ। गांव कौन सा? नसीरबाग। आपकी बार किसको समर्थन दे रहे हैं? हबीब को। अब से पहले किसके पास समर्थन था भाई? पिछले चुनाव में किसके साथ थे? आजाद के साथ। अबकी बार आप उनके साथ हैं? हबीब के साथ ही क्यों हैं? जल्दी निकल जा, आजा। ढेम ढील राजे रहने था हमारा ये। अच्छा, हाँ, ये पार्टी से है, मतलब इससे हमने बहुत प्यार है। अच्छा, पार्टी से प्यार? हाँ जी, पार्टी से प्यार है, सिर्फ इससे नहीं, पार्टी से प्यार है हमने। अच्छा, क्या उम्मीद है नेता से? अच्छी उम्मीद है, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? मेरा नाम जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, किसको समर्थन दे रहे हैं? हम चौधरी हबीब। हबीब को क्यों दे रहे हैं? इंटरनेशनल लोकदल पार्टी की वजह से। अच्छा, पार्टी की वजह से? पार्टी की वजह। नेता से कितनी सारी उम्मीदें आपको हैं? आपको हमें बहुत सारे सच्चाई के साथ, हमें उसे विश्वास है, उसे पूरा यकीन है, हमारे साथ ईमानदारी से वफादारी करेंगे। अच्छा, ईमानदारी से आपके काम करेंगे। इलाके की क्या क्या समस्याएं आ रही है? हमारे गाँव की बहुत सी समस्याएं हैं। बाकी अब से ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई महिला शौचालय है, हमारे बहुत से शौचालय है, ना हमारे पंचायत के रास्तों में कोई काम हुआ है। अच्छा, बात बताए, अब से पहले किस नेता के साथ थे आप? अब उसको पहले जी हम जो है चौधरी आजाद मोहम्मद के थे। अच्छा, अब की बार आप इनको चुन रहे हैं? अब की बार। जो 5 साल रहे हैं वो कैसे गुजरे हैं आप? कुछ भी नहीं गुजरे जी, हमारे गाँव के लिए 1-2 रुपए के, हम गाँव के सरपंच भी हैं, 1-2 रुपए की पूरी 2 साल हमें नई बॉडी बढ़ा चुके, 1 रुपए ग्रांट नहीं दी इससे पहले। अच्छा, और उससे जो 10 साल रहे थे, जब नसीम विधायक रहता तब क्या रहा? नसीम तो हमने 10 साल 2 वर्ष को वोट दिए, उन्होंने हमारे को आज तक ये नहीं पूछा कि तुमने वोट हमारे को किस स्टेज पे दिया। अच्छा, अभी क्या उम्मीदें हैं कि हबीब अहमद नगर जिसको आप समर्थन दे रहे हैं, तो क्या वो आपकी बातों पे, आपके वादों पे खड़े उतरेंगे? तीरा विश्वास है कि वो निभाएंगे, वो निभाएंगे। उसने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हमने परिचय दिया है कि मैं आखिर तक जान की बाजी लगाकर अपने वोटर के साथ खड़ा हूं। क्या लग रहा है, जीत होगी या हार होगी? क्या पूरे घंटा की इंशाल्लाह जीत इंटरनेशनल लोकदल की होगी। अच्छा, गाँव से कितना परसेंट वोट जो है? ज्यादा से ज्यादा हमारे गाँव में देखो जी 700-750 वोट है, 800 तक। हमें पूरी उम्मीद है कि 300-350 वोट देंगे। अच्छा, मतलब आधे में वो रहेंगे, आधे में सब हम। चलिए, क्या नाम है जी? सलामत खान भाई है जी। सलामत खान। सलामत खान, अब की बार किसको समर्थन दे रहे हैं? हबीब भाई को दे रहे हैं भाई। हबीब को क्यों दे रहे हैं? बस अपनी चॉइस होती है जी, हमारी पसंद है, हबीब भाई की भी रहने वाला सरकार है। अच्छा जी, क्या उम्मीदें आपको नेता से हैं? उम्मीद भाई बहुत सारी हैं, हम ड्राइवर हैं, हमारे से बहुत जुड़ी समस्याएं जुड़ी हुई है, जिनको हम अपने हबीब भाई भाई के सामने रख तो सकते हैं ना। किसी और से नेता से बोलते हैं, वो जैसे भाजपा से खड़ा है नसीम, उनके पास 2-3 दिन पहले हमने बुलाया था उनको बड़ा अकली पे, हमारे सारे संगठन का साथियों ने, ऑल ड्राइवर कल्याण स्कीम की टीम ने, सब ने समर्थन दिया, उनको बुलाया, उनको समझाया। जिस दिन खट्टर साहब आए उस दिन हमारी कब्र वहाँ पत्थर लेने से मना कर दिया उसने। अच्छा, इसलिए हम अपने हबीब को जिताना चाहते हैं पूरी उम्मीद के साथ में, और 101% जीत में भाई। अच्छा, 101% जीत पूरी पूरी ड्राइवर भाई जो है वो उनको समर्थन दे रहे हैं। ड्राइवर पूरा वन टोटली ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का जो भी कार्य करता है ड्राइवर समाज होगा वो सारे का सारा हबीब भाई के साथ में। अच्छा, पहले आप लोगों ने नसीम को समर्थन दिया लेकिन उन्होंने बात हमारी बात नहीं सुनाई की भाई साहब। अच्छा, हम कैसे उतरेंगे उसकी उनके लिए? हम यहाँ हमारे गाँव में 60% ड्राइवर है, तो ड्राइवर जब उनका सपोर्ट में है तो बाकी जनता क्या करेगी, वो तो मजबूरी होगी ना, सबके साथ मानेगी। ठीक है।